यहाँ पे ओवरलोड ट्रक जो है लोगों को रौंद दे रहा है, ट्रक मालिक को नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, और लुकिंग ग्लास से धक्का लग गया तो आर्मी के जवान को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। उसी रक्सौल में ओवरलोड ट्रक चलता है, उसी रक्सौल में एक आदमी कोई सवाल पूछे मिनिस्टर जवाब दे। यहाँ पर आप सभी जानते हैं शुरू से, जब उस आर्मी, एक मिनट में दे दीजिए यहाँ में, शुरू से आप लोग जानते हैं जब घटना उस आर्मी मैन के साथ हुआ तो वहाँ पर रक्सौल में हम नहीं गए थे। एक मिनट रंजीत, रक्सौल में हम नहीं गए थे। रक्सौल में अगर वहाँ कोई उपस्थित हुआ तो रवि जी पत्रकार के रूप में और वहाँ पे सम्मान बचाने के लिए पूर्णिमा भारती जी वहाँ पे उपस्थित थी। हम जब मोतिहारी में धरना शुरू हुआ तब हम लोग समर्थन में आए। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं का छुपा नहीं है। यहाँ भी आके मीटिंग करके धरना का शुरुआत आपके सामने, मैं आके बता रहे हैं, बता रहे हैं, मैं खुद आके सारा चीज है। इसमें कहीं से भी एक प्रतिबद्ध शक वाला बात नहीं है कि पूर्णिमा भारती जी का क्या प्रयास रहा है या कवि रवि कुमार जी का क्या प्रयास रहा है। उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के वजह से आज वो निलंबित भी हुए हैं, इन्हीं के प्रयास से, और प्लस जो दो आदमी अभी सिपाही आज निलंबित हुआ है वो भी। तो मामला यहाँ पर सभी के सामने, वस्तु स्थिति सबके सामने है। अब सीधी सी बात है, किसी एक पत्रकार साथी से आग्रह है कि जो हमारी बहन बैठी है यहाँ पे, बहन से आप इनका राय लीजिए कि ये किस रूप में न्याय चाहती हैं। हमें लगता है कि सारा मामला का सारांश यही, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी धरने के लिए तो हम लोग बैठे हैं। और मैडम क्या कहना चाह रही हैं आप इस मुद्दे पे? कान का सुधार आ गया, हम लोग से क्या उम्मीद करती हैं आप? कहाँ जाओ साथ में, अबे तक यहाँ जाओ, माइक आगे, बड़ो आगे, माइक और सब आगे करते हैं। हम हैं क्या उम्मीद है आपको समाज से, हम जैसे लोगों से? अनिकेत भाई, मैं ऊपर कर आवाज करनी है, हां मैं ऊपर कर दिया आवाज, उनको जितेंद्र सर के बड़ी सजा मिली। उससे थोड़ा जोर से बोलिए। काजल, कोर्ट से अभी तक कोई आदेश मिला है कि नहीं रिहाई के लिए? नहीं नहीं मिला है। मजिस्ट्रेट साहब क्या बोले हैं? अब इन कुछ नहीं बोले हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, रिजेक्ट कर दिए। अच्छा, कहीं वो बिक तो नहीं गए ना? अच्छा, आप क्या चाहती हैं, आप सरकार से क्या चाहती हैं? अपना यही चाहते हैं, मेरे पति के धर्म क्रिया किया जाए, जितेंद्र सर के सजा मिले। हम तो शुरू से था, बच्चिया सब के एंडिका कार से जा रही थी परीक्षा देने के लिए, बाइक से हम अपने पीछे पीछे जा रहे थे, तब तक लक्ष्मणपुर बुलेट एजेंसी के पास एक छोटा सा मस्जिद है, वहीं एक यात्री मोदी साहब रोड क्रॉस कर रहे थे, काफ़ी भीड़ था, तब तक इंडिका कार के लुकिंग गिलास से उनके बाँह पर लग गया। लुकिंग गिलास से लगा गिरे, तब तक वो जो आर्मी के जवान राधा मोहन जी हैं, एक बैग गाड़ी रोके तो बचिया सब निकली, हम उतरे अपने बाइक को साइड में खड़ा किए और दौड़ करके गए, हम लोग उनको उठाने लगे, उठाए तब तक उनके केवनी से खून बह रहा था, यह बात सत्य है। तो हम लोग कहे कि चाचा जी चलिए आपका इलाज करा रहे हैं, उठाए पुठाए तो कहे जाए बाबू आप लोग इलाज बाद में कराइएगा, थोड़ा हमारे घर फोन कर लेने दीजिए, हम अपने परिजनों लोगों को खबर दे दें कि हमको एक्सीडेंट हो गया। क्या चीज थे वो? वो पैदल थे, पैदल थे। उसके बाद में वो घर पर जब फोन करते हैं तो 20-25 के संख्या में लड़का पैका मर्द मेहरारू, वहीं उनका घर है बगले में रोड के किनारे, दौड़ते ओढ़ते लोग आया, आकाब तोड़ दो गाड़ी, फोड़ दो साला, कैसे ठोकर मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, गाड़ी को ठहठाने लगा लोग, हम लोग बीच में खड़ा हुए, बचिया सब हुए, तो वो आर्मी मैन को धक्का धुक्की देने लगा लोग, बचिया सब बचाने गई, इसको भी खींच काज तोड़ मोड़ गाड़ी कुत्ता बोलने लगा लोग, हम गए बीच में कर जोड़ने लगे, निहोरा करने लगे, तब तक हमको कुछ दूर पर पुलिस खड़ा लौका, तो हम कहे कि बाबू आप दौड़ कर जाइए, हम बचिया सबको छेकते हैं, पुलिस लोग आए वहाँ कहिए, तो राधा मोहन जी दौड़ते हुए गए तो चार गार्ड और एक जितेंद्र बाबू, बाद में हम पहचाने के जितेंद्र बाबू हैं, तो गए कहे कि का सर आप यहीं खड़ा हैं, हमारे परिवार और साली सब के साथ हमारे साथ इतना बदसलूकी हो रहा है, आप कुछ नहीं करते हैं? तो कहे कि चलो
आए आए तो बोलते हैं जरा साला तुम रन साइड में गाड़ी खड़ा कर दिया है, तो कहे कि नहीं सर ये तो गाड़ी लोग जाम कर दिया है, हम उठा रहे हैं इनको ले चल रहे हैं हॉस्पिटल। तो अरे साला ये बहुत सारे लोग हैं, तुम लोगों को कुछ कुछ करके मुंहा देंगे, हम इन लोगों को हॉस्पिटल ले चलते हैं माधर चौथ, ले चलो थाना में गाड़ी। तो कहे कि सर माँ को गाली मत दीजिए, हम थाना में गाड़ी ले चलते हैं। हम कहें कि नहीं बाबू ले चलिए, जब सर कहते हैं तो थाना में गाड़ी ले चलिए। हम अपना बाइक स्टार्ट किए, वो अपना इंडिका कार स्टार्ट कर लिए, बचिया सब बैठ गए। आए हम लोग जो स्कूल है रक्सौल हजारीमल हाई स्कूल, वहाँ काफ़ी भीड़ था, काफ़ी भीड़ था, तब तक 1:40 हो गया समय। तो कहे जब पापा जी अब तो 5 मिनट समय है, गेट बंद हो जाएगा, तो ये सब कैसे बाहर मगर एंट्री करेगी। तो हम कहें कि बाबू दूटे का गाड़ी वहाँ मगर थाना से ठीक है 5-7 कदम पीछे नागा चौक है, जहाँ फैली जगह लगा, जहाँ अंतिम हो रहा है हाई स्कूल का बाउंड्री, सटे बाउंड्री के जरिए, हाई स्कूल का बाउंड्री के जरिए नागा चौक है, वहीं रोक दिए। और बचिया सबको उतार करके जैसे बढ़ रहे हैं, तब तक जितेंद्र बाबू थाना के तरफ से घूम कर आए और कहते हैं कारे माधर छो तुमको हम कहें थाना में गाड़ी लगाने के लिए रोक दिया, यहाँ यही करके तड़ाक दे उठा कर चला दिए, दाबर चला दिए। कहते हैं हाँ सर हम चल रहे हैं, हम अपने परिवार को भीतर कर देते हैं, एंट्री करा देते हैं, उसके बाद गाड़ी लेकर चलते हैं। तो कहते हैं माधर छो तुमको हम कहते हैं अभी थाना में चलो, और तुम कह रहे हैं जब हम बच्ची सबको एंट्री करा कर तब आएंगे, फिर हाथ चला दिए। तो वह बोले कि माँ को गाली मत दीजिए, माँ को गाली दीजिएगा तो बर्दाश्त से फाजिल हो रहा है, सबकी माँ एक होती है। तो कह रहे सर तुम हमारे माँ को गाली देने के लिए कह रहा है, और फिर हाथ चलाना शुरू कर दिए। तब तक तो क्या किया कि थाना में फ़ोन कर दिए, थाना में फ़ोन किए तो वहाँ से 25-30 के संख्या में पुलिस लो आया, जो एक एडमिट कार्ड कहाँ छीना है, एडमिट कार्ड वही बच्चे सबके हाथ से छीन लिए लोग, सिपाही लोग छीना। जितेंद्र बाबू ऐसे कलर पकड़े थे हमारे बच्ची को, नीचे कलर फट गया, उसमें हनुमान जी था, इसके गला में मंगलसूत्र था, वह भी टूट गया, उनके हाथ तक हम देखे। उसके बाद में वो पॉकेट के तरफ अपने हाथ ले गए और पीछे से कॉलर पकड़ लिए, और आर्मी मैन का डांड दो आदमी पकड़ लिया, दो चार आदमी बाँह पकड़ लिया, और एक हाथ फाइट से खाली इस पर मार रहे थे टाइम लोकन पर, मारते पीटते हम देखिए वीडियो में कर जोड़ रहे हैं, उनके पैर पकड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बच्चा हमारा है, गलती किया सर, हमको दंडित किया जाए, क्षमा कर दिया जाए हुजूर, क्षमा कर दिया। कहते हैं अरे माधव जी तू कहते हैं आर्मी का जवान है, तुम आर्मी का नाम रख करके उसका जोश बढ़ा रहा है माधर चोद, हमको भी गाली देने लगे। पीछे पीछे थाना में गए और उनको मारने पीटने लगे, हम बचाने गए तो हमको ढाते हुए निकालते हुए थाना से बाहर कर दिए। और कहता है जो है साला तुम बता रहा था कि आर्मी का जवान है, उसको जोश दिला रहा था, भाग बहन चोद नहीं तो तुम्हारा भी व्यवस्था करेंगे। हमको ढा करके थाना से बाहर कर दिए। उसके बाद में सारे मीडिया लोग, हम सुनील बाबू के पत्रकार थे, तब तक चिल्लाने लगे जब वो लोग मारने लगा, तो यार भाई वीडियो करो वीडियो करो, तो ऐसे हाथ से बता रहे हैं, वीडियो कर रहे थे सुनील जी मीडिया, उनको ऐसे बता रहे हैं कि तू वीडियो कर रहा है, भाई हमारे माँ को गाली देने के लिए बोल रहा है, हमारे माँ को गाली देने के लिए बोल रहा है, कांप रहे थे। जैसे बुझा रहा था कि एक अपराधी के साथ इतना उम्र में उतना बदसलूकी हम आज तक अभी तक नहीं देखे हैं, जैसे राधा मोहन जी के साथ किए, अपना पूरा पावर का ताकत लगा दिए और पूरा एकदम जोर शोर से मरना शुरू कर दिए। हम कह रहे थे सर ये अपराधी तो नहीं है, माफ़ कर दीजिए, बच्चा है, गलती किया है। देखिए उस वीडियो पर उनका हम पैर पकड़े हुए हैं, रोड पर चल रहे हैं, आगे से पैर पकड़ रहे हैं, हमको ढा रहे हैं, हमारी बच्ची सब गई, उसको झटकार करके बिला दिए, रोने लगे, तो ही गए जा करके निहोरापाती करके सबका एडमिट कार्ड दिलवाए और ढा ढू करके लोग ही सबको बाउंड्री में ढुका करके एंट्री करा दिया लोग, और लोग थाना में लेकर के चले गए और ले जा करके मारपीट उनका करना शुरू कर दिए। 10 बजे रात तक के हमको आश्वासन दिया लोग, रोड जाम हटा दीजिए, पूर्णिमा भारती को कह दीजिए चल जाने के लिए, मीडिया लोगों को कह दीजिए चल जाने के लिए, अभी छोड़ देते हैं, 2 मिनट में छोड़ देते हैं, एक मीडिया लोग रहेगा तब तक नहीं छोड़ेंगे, आपके दामाद के लोग चाह रहा है जो जेल भेजवा दें। तो हम जा कर के सब मीडिया लोगों को गोल पकड़ना शुरू कर दिए और पूर्णिमा भारती जी को पैर पकड़ लिए जो हुजूर आप लोग घर जाइए कि हमारे दामाद छूट जाएँ। जब भी लोग सारे लोग घर चला गया तब कहते हैं जो रजिस्टर मेंशन हो गया, तुम्हारा दामाद सरकारी कार में व्यवधान किया है और हमारे साथ मारपीट किया है, उसमें भी चलान करेंगे और देखे कि जिसको एक्सीडेंट हुआ है हुजूर वो FIR हमारे पास है पढ़ा जाए। वो आवेदन नहीं दिया है, उनके परिजनों से यानी उनके पटीदारी के भतीजा से दूसरे लोगों से जो लोग थाना में वो रहते हैं रात दिन जितेंद्र सिंह के साथे साथे घूमते हैं उनसे आवेदन लेकर के केस किया गया। इतना संगीन मामला
एकदम 100% सत्य। हम यही प्रयास कर रहे हैं, सीजीएम साहब के यहाँ बिल फाइल किए, उसमें पप्पू बाबू हमारे लॉर कोर्ट के मस्ट वकील हैं, सब वकीलों के अध्यक्ष हैं, वो अपने सुखसागर शिव पुराण से और देश से घुमा फिरा करके हर बात सीजीएम साहब से कहे, सीजीएम साहब ने ऑर्डर में रख लिए और हम लोग शाम को जाते हैं तो ऑर्डर देखते हैं जो रिजेक्ट कर दिए बिल यहाँ से रिजेक्ट। हाँ, हम लोग वीडियो वायरल दिखा रहे थे तो बोले कि नहीं नहीं हमारे इस पर आया है वो पैन कार्ड कौन चीज बोले जो हमको समझ में नहीं आ रहा है सीजीएम साहब एसडीजीएम रक्सौल हम सब देख लिए हैं तो हम लोगों के अंदाज आया कि मगर बिल आउट कर देंगे, मगर शाम के हम लोग गए तो देखे कि ऑर्डर में रह करके वो रिजेक्ट कर दिए, बिल नहीं दिए, तो हम लोग जज साहब के यहाँ तैयारी कर रहे हैं अपना बिल फाइल कर। डिस्ट्रिक्ट जज के आ हुजूर कहीं जितेंद्र बाबू के साथ मारपीट का कोई वीडियो वायरल हो, कोई इंजुरी हो, कोई उनके गाड़ी देते समय उस फौजी का वीडियो किया गया हो तो सरकारी कार्य में कहीं से बाधा हो उसका प्रमाण लिया जाए, और हम उच्च न्यायालय पदाधिकारी से यही कहेंगे कि हमारे दामाद को मुक्त किया जाए और हमको न्याय मिले। कल जिनको भेजते ना उनको बोल, बस यही कह के हम अपना बात विराम करेंगे और इतने गणमान लोग हैं इन लोगों से हम अपना आरजू विनती यही करेंगे कि जितना जल्द से जल्द उस आर्मी मैन को रिहा किया जाए। इस 17 जनवरी को हम अपने बच्ची का शादी किया है, वो खाना नहीं खा रही है, मर रही है, उसके सदमा से यदि हमारे दो चार बच्चे हम मर भी जाएं तो क्या एसपी साहब जिंदा कर सकते हैं हम लोगों का हार्ट अटैक कर जाए तो इसलिए हम डीएम और एसपी साहब से अनुरोध करेंगे कि जो हुआ वो दोनों जवान उनका है, कोई देश के लिए है, कोई बिहार के लिए है, उनको जेल से मुक्त करें, अपने पास दोनों को बुलावें और सच्चाई जान करके अपने स्तर से उनके विभाग में उनको भेजें और दंडित करें मत्रो, जो दोषी मत रो बाबू, आप रोना नहीं है बाबू, आप रोइए मत।